ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में हुआन नुपुर लूथरा की किताब साइलेंट मर्डर का विमोचन। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में लेखिका नुपुर लूथरा की किताब साइलेंट मर्डर का विमोचन हुआ। इस लॉन्चिंग इवेंट में पाठकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कनॉट प्लेस के ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में पाठकों का जमावड़ा लगा था। सभी को इंतजार था मर्डर मिस्ट्री पर आधारित किताब साइलेंट मर्डर का। सभी पाठक बेचैनी से इस किताब का इंतजार कर रहे थे। आखिर लॉकडाउन के बाद यह मौका आ ही गया जब लेखिका नुपुर लूथरा की किताब साइलेंट मर्डर का विमोचन हो गया। शनिवार 8 नवंबर को पाठकों के लिए ये किताब उपलब्ध हो गई। लॉन्चिंग कार्यक्रम में ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर कपिल राज भी शामिल हुए। नुपुर लूथरा अपनी इस किताब को लेकर काफी उत्साहित थी। उन्होंने बताया कि यह उनकी पहली मर्डर मिस्ट्री पर लिखी किताब है। इससे पहले वह लव पॉलिटिक्स आदि विषयों पर किताब लिख चुकी है। उन्होंने बताया कि इस किताब में उन्होंने महज 2 महीनों में इसको पूरी कर दी। लॉकडाउन की वजह से उन्हें काफी वक्त मिला इस किताब को लिखने के लिए। उन्होंने आशा की कि पाठकों को यह किताब काफी पसंद आएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी न्यूज में। मैं हूं तीर्थांकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली दरबार। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम के तहत लगातार हम आपको कुछ नए नए लोगों से, नए नए मेहमानों से मिलवाते रहते हैं। इसी के दरमियान आज हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर पर, जहां पर आज नुपुर लूथरा की किताब का जो है विमोचन हुआ है साइलेंट मर्डर का। उसी पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ इस किताब की राइटर नुपुर लूथरा जी है। नुपुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी, बुलाने के लिए थैंक यू। नुपुर जी, ये किताब आपने लिखी है साइलेंट मर्डर, मर्डर मिस्ट्री पे है ये किताब, तो मतलब कैसे आइडिया आया, क्या दिमाग में आया आपने मर्डर मिस्ट्री के ऊपर ये किताब लिखी? एक्चुअली ये मेरा कभी लिखा नहीं था मर्डर मिस्ट्री, तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। तो ये होता नहीं कि न्यूज़ में पढ़ते हैं वो बेचारा मर गया, इसका सुसाइड हो गया, तो एक मैं क्या करती हूँ ना, कैरेक्टर्स को पढ़ती हूँ एकदम डिटेल में। मुझे समझ सकता नहीं है ये थोड़ा मिस्टीरियस है, तो उसके ऊपर थोड़ा इन्हें घुमा फिरा के इसका स्टोरी बना दें। तो मैं हमेशा एक अपना कैरेक्टर्स को पहले समझती हूँ, देखती हूँ, सोच समझ के स्टडी करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, फिर लिखती हूँ। मर्डर तो एक्चुअली कॉमन वर्ड है, हम मर्डर तो बोलना नहीं चाहिए, गलत लगता है। बट क्या है कि ना, अगर हम एक स्टोरी फॉर्म में लिखते तो लोग पढ़ेंगे, इनको इंटरेस्ट लगता है। इसलिए वो आइडिया आ गया कि अरे यार, मर्डर तो कभी नॉइजी तो होता ही नहीं है। तो एक्चुअली पहले इनिशियली तो थोड़ा सा था नॉइजी मर्डर कर दो, फिर मुझे नहीं यार, नॉइजी तो कभी होता नहीं है, तो उसको साइलेंट मर्डर कर दी, इसलिए ऐसा हो गया। आपकी किताब यहाँ मेरे पास है दर्शकों, जैसे आप देख सकते हैं, इसकी एक टैगलाइन ऊपर आपने लिखी है, कैन यू मर्डर योर लव वन फॉर योर ऑन पर्सनल गेन। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि अगर आपको कुछ अपने अपने फायदे के लिए कुछ चाहते हो, कुछ हासिल करना है, तब किसी को भी मर्डर कर दोगे ना, किसी को भी टक्कर कर दोगे। जैसे मूवी इंडस्ट्री में होता है, हमें खुद के आईटी इंडस्ट्री में होता है, किसी को टक्कर मारना होता है ना, तो कुछ भी कर सकते हो। तो इसलिए कि हमारे खुद के पर्सनल गेन के लिए, खुद के फायदे के लिए किसी को भी कर सकते हो क्या, इसका यही मकसद है। मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं ऐसी मर्डर मिस्ट्रीज पे, बहुत सारी वेब सीरीज बन चुकी है, फिल्में बन चुकी है, तो क्या कुछ नया जो है पाठकों को इसमें पढ़ने को मिलेगा, क्या कुछ नया नुपुर ने इसमें डाला है, क्या कुछ नई एक्साइटमेंट है जिसे पाठक पढ़ने के लिए मतलब बेचैन होंगे, उन्हें लगेगा कि नहीं एक पेज के बाद अगला पेज मुझे पढ़ना है? सी, हर एक मर्डर तो अलग होता है, जैसे हमें बोलना तो नहीं चाहिए, पर सुशांत सिंह राजपूत जैसे सुसाइड हो गया, इतना बेचारे ने सुसाइड किया, इतना बड़ा हो गया। ऐसे ही यही बुक में है कि यह एक छोटी सी मर्डर में इतना बड़ा क्यों हो गया। तो इसमें ये है कि यह अलग है कि कैसे मर्डर किया, किसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्यों किया आपने, वो अलग है। हाँ, कॉम्पिटिशन तो बहुत है, बहुत सारी मर्डर मिस्ट्रीज है, हर एक मर्डर अलग होता है कि कैसे मारा, किसने मारा, क्यों मारा। उसमें अलग टाइप की कि कैसे मारा और क्यों, और आप क्यों इस इंसान को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये है इसमें बुक में। तो कितना टाइम हो गया आपको किताबें लिखते हुए, कब से लिख रही है? 5 साल मेरे को तो एक्चुअली इंडस्ट्री में 14 साल हो गए, पर बुक लिखते लिखते 5 साल हो गए मुझे। तो इससे पहले भी कौन कौन सी किताबें आपकी पब्लिश हो चुकी है? एक सोल्जर्स ऑर्डर हुई है, एक डाइवर्जेंस हुई है, एक डिस्टर्ब डेथ हुई है, और एक लव स्टोरी वो है आई लव फेल अपार्ट। वो 4 बुक्स हुई है, ये 5वां है।
कितना समय लग गया नूपुर इस किताब को लिखने में, क्योंकि जाहिर सी बात है लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में काफ़ी सारा समय भी मिला होगा हाँ। आपको कितना समय लगा, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आई, किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा इस किताब को लेकर, लिखने को लेकर? सी लॉकडाउन में तो हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो वो एक चैलेंज था कि यार हम वर्क भी कर रहे हैं और खुद का किताब भी लिख रहे, तो मुझे तो वीकेंड में टाइम मिलता था कि किताब लिखूँ। ये एक्चुअली किताब तो लॉकडाउन से पहले हो चुका था, दो हफ्ते में लिख चुकी थी, पर ये था कि लॉकडाउन में इसको कैसे इम्प्रूव करूँ, कैसे अपने वर्ड्स को बढ़ाऊँ, कैसे और इंटरेस्टिंग करूँ, क्योंकि मैंने दो तीन लोग को पढ़वाया था कि यार इसमें क्या गलतियाँ बता दो, इसे इम्प्रूव करो, तो वो जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था उसको लेके मैंने और इम्प्रोवाइज़ किया और इम्प्रूव किया और उसको बढ़ा के लॉकडाउन में आई थिंक मुझे दो महीने लगे फाइनली लिखते लिखते और ख़त्म। दो महीने आपको लग गए इस किताब को कंप्लीट करते हाँ। करते तो किस तरीके का सपोर्ट मिला दोस्तों से, परिवार वालों से? एक्चुअली ये कंप्लीट सरप्राइज़ था मेरे मम्मी डैडी के लिए। अच्छा। कंप्लीट सरप्राइज़। वो तो बोलते रहते शॉर्ट स्टोरीज लिख दो, ये कर दे वो कर दे, मतलब ब्रेक ले ले काम से, कितना मेहनत करेगी। तो मैंने सोचा इस बार किसी को ना बताओ, एटलीस्ट मम्मी डैडी को ना बताओ, पूरे परिवार को ना बताओ, और मैंने एक सरप्राइज़ आपके लिख डाला। तो ये मतलब आपने अपनी फैमिली के लिए एक सरप्राइज़ रखा था साइलेंट हाँ, मर्डर को हाँ, और वो आज आपने लॉन्च कर दिया सभी के सभी दर्शकों के बीच में, सभी पाठकों के बीच में। जो किताब है नूपुर लूथरा की, ये साइलेंट मर्डर, ये आ चुकी है, तो आप लोग इसको किसी भी बुक स्टोर से जो है ख़रीद सकते हैं, आप लोग इसको ऑनलाइन जितने प्लेटफॉर्म्स है उससे भी परचेज कर सकते हैं। आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा इस मर्डर मिस्ट्री को, तो आपको पता चलेगा कि कितने सस्पेंस के साथ आखिर नूपुर ने और कितनी मेहनत के साथ नूपुर ने इस किताब को लिखा। नूपुर, जाने से पहले अपने पाठकों को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? ये संदेश है कि आपको जो लिखना है लिख डालो पेपर पे, अथवा थॉट प्रोसेस को मत रोकना, क्योंकि वो एक फ्लो में होता है, तो वो फ्लो में निकलने दो। लिखने के बाद एक दो बार पढ़ो कि आपने क्या लिखा है, एडिट करा और पब्लिश कर दो। अपना दिल का सुनो, किसी और का मत सुनना, अपना दिल का सुनो और लिख डालो। ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है, सब करते हैं, एक प्रोसेस होता है, एक चैलेंज होता है, उसी को अपना फॉलो करके एक बुक लिख लो बस। ये तो राइटर के लिए हो गया ना, अब जो इसको पढ़ने वाले पाठक आपके, उनको क्या कहना चाहेंगे? कि एक सरप्राइज़ है, आई मीन आई होप कि पसंद आए, तो ज़रूर पढ़िए, अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है जो भी हो बोल दो, नो प्रॉब्लम, हम हैं, पर हाँ ज़रूर पढ़िए। एक इंटरेस्टिंग नॉवल है, मॉडर्न मिस्ट्री है, अलग है, तो प्लीज़ पढ़ लो। बिल्कुल सही बात नूपुर ने यहाँ पे कही, तो मेरी भी सभी दर्शकों से, सभी पाठकों से गुजारिश है, इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप मर्डर मिस्ट्री पढ़ने के शौकीन हैं, अगर आपको मिस्ट्री वाली कहानियाँ पढ़ना पसंद है, तो एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा इस किताब को। सभी ऑफलाइन बुक स्टोर्स पर भी ये अवेलेबल है, साथ ही साथ सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी ये अवेलेबल है। नूपुर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, हमारे साथ इतनी सारी बातचीत। थैंक यू सो मच कि आप मुझे टाइम दिया निकाल के इंटरव्यू कराए, तो थैंक यू सो मच। वहीं ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर कपिल राज ने बातचीत में बताया कि इस किताब में काफ़ी सस्पेंस है, लेखिका नूपुर ने इसमें काफ़ी मेहनत की है, जो कि साफ दिखती है। जो भी पाठक सस्पेंस और मिस्ट्री की कहानियां पढ़ना पसंद करते हैं, उन्हें ये किताब ज़रूर पसंद आएगी। वहीं डिजिटल माध्यमों की बात करते हुए कपिल ने कहा कि डिजिटल के बढ़ते प्रभाव के चलते लोग किताब कम पढ़ते हैं, लेकिन डिजिटल के प्रभाव के चलते लेखकों को नए प्लेटफॉर्म मिल गए हैं अपनी कहानियों के लिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम ऑक्सफोर्ड में हैं, जहाँ नूपुर लूथरा की किताब साइलेंट मर्डर जो है उसका विमोचन आज यहाँ पे हुआ है। हमारे साथ ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर कपिल राज हमारे साथ इस समय मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे, इस किताब के बारे में भी जानेंगे और उनकी लिखी हुई किताबों के बारे में भी हम उनसे जानेंगे। कपिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। कपिल जी, नूपुर लूथरा की किताब साइलेंट मर्डर आज यहाँ विमोचन हुआ, पाठक उसे पसंद भी कर रहे हैं, और जो लोग भी इस तरह की मर्डर मिस्ट्री पढ़ने के शौकीन हैं उनके लिए एक नया कंटेंट आया, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से लोग बहुत परेशान हैं, उन्हें कुछ नया नया एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए। तो आपने इस किताब को आज आपने डिस्कस भी किया है, नूपुर जी के साथ बातचीत भी की, किताब को पढ़ा भी है, तो क्या कुछ कहेंगे इस किताब के बारे में? वेल, मैं सबसे जो इंटरेस्टिंग बात इस बुक के बारे में है कि ये जो इसकी राइटिंग स्टाइल है और जो कैरेक्टराइजेशन है वो बेहद इंटरेस्टिंग है, और
कनेक्ट करता है सीधे सीधे आप रीडर्स के माइंड के साथ में, और यू विल बी लॉस्ट, मतलब हम एकदम खो जाते हैं हम किताब को जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं। तो मेरी नज़र में, और क्योंकि लॉकडाउन के बाद मैं एक बुक लॉन्च में आ रहा हूँ काफ़ी टाइम वक्त बाद, तो ये किताब बहुत ही रीडर्स के साथ कनेक्ट करती है और मुझे बेहद पसंद आई। बिल्कुल कपिल जी, आप खुद एक ऑथर है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, तो जब ये कोई भी ऑथर होता है जब लिखने की शुरुआत करता है एक लेखक, हाँ, तो किस तरह की समस्याएं उसके साथ होती है, किस तरह की परेशानियां होती है, क्योंकि जो ये राइटिंग का भी एक प्रोफेशन है ये भी अगर देखा जाए सामाजिक तौर पे तो उतना स्टैब्लिश्ड से नहीं माना जाता। जब भी बच्चा कहता है कि मुझे राइटर बनना है तो घर वालों को एक डाउटफुल रहता है कि भाई ये राइटर बन के क्या करेगा, इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, तो किस तरह की समस्याएँ जो है वो ऑथर्स महसूस करते हैं, किस तरीके की परेशानियों का सामना करते हैं? देखिए, जो राइटर होता है वो एक इनविजिबल सोल्जर होता है, उसकी जो लड़ाई है वो कोई देख नहीं सकता, वो कोई जानता नहीं है, उसकी वो कहानियाँ बुन रहा है, वो कैरेक्टर बुन रहा है, वो अपने मन ही मन लड़ रहा है, लेकिन किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो जो एक इस राइटिंग एक जो आर्ट है, उसको आर्ट भी सीखनी होती है, उसको रीडर्स के साथ कनेक्ट भी करना होता है, और उसको सारी की सारी जो अपनी कहानी है, जो उसका एंड का जो ऑब्जेक्टिव है, वो भी पूरा करना होता है। सो क्योंकि मैं खुद मैंने एंडेवरर अ रेप स्टोरी एक नॉवल लिखी है जो काफ़ी लोकप्रिय रही है, निर्भया केस के बाद में मैंने वो किताब लिखी थी, तकरीबन 3 साल रिसर्च के बाद में, 3 साल में सिटीज़, मैंने काफ़ी सारे सर्वाइवर्स और पंचायत विलेजेस, अलग अलग सोसाइटी के लोगों के संग मैंने डिस्कस करके नॉवल लिखा, और उसके बाद में, लेकिन सारा पॉइंट ये होता है कि जब आप एक रचना क्रिएट करते हैं और वो सच में लोगों से कनेक्ट करती है, तो सारा उद्देश्य, सारी मेहनत आपकी वहीं पूरी हो जाती है। तो आई थिंक वो जो एक रीडर के की जो स्माइल है, या एक थैंक यू मैसेज है, या उसकी ज़िंदगी बदलने का जो एक तरीका है, क्योंकि एक लाइन लगती है जो किसी की ज़िंदगी पर इतना प्रभाव डालती है कि उसकी आगे की ज़िंदगी उस पर डिपेंड करती है, वो लाइन लिख पाना एक राइटर की ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और अगर आप ये कर पाते हैं तो शायद आपको भी लगता है कि आप इस दुनिया को कुछ देकर वापस गए हैं। बिल्कुल कपिल जी, जिस तरीके से डिजिटल का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, आजकल के बच्चों की अगर हम बात करें या रीडर्स की बात करें, युवाओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं किताबों को पढ़ने का चलन जो है वो पहले के मुकाबले थोड़ा कम होता जा रहा है, लोग बाग अपने मोबाइल्स में ज़्यादा बिजी है, तो किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को, ऑथर को इसमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, और रीडर्स के लिए भी क्या है कि जो पढ़ने की जो एक इच्छा है वो धीरे धीरे क्यों लोगों की पढ़ने की आदत जो है वो ख़त्म हो रही है? एक्चुअली रील्स और टिकटॉक के ज़माने में जहाँ हम 15 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स में एक स्माइल देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में एक 200 पेज और 400 पेज और 1000 पेज की नॉवल पढ़ना इतना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन पॉइंट ये है, धीरे धीरे ये एक नया ट्रेंड है जो पहले नहीं था। नेटफ्लिक्स और प्राइम के आने से जो नॉवेल्स का आप देख रहे हैं, जैसे वाइट टाइगर अभी लॉन्च हुई है, बुक मूवी आई है, या सूटेबल बॉय तबू करके आई हैं उस मूवी में, तो इस तरीके से राइटिंग का वापस प्रभाव वापस आ रहा है। दो इतना एकदम से डिफरेंस आप नहीं देख पाएंगे, बट धीरे धीरे लोगों में ये फैल रहा है कि आप रीडिंग करें, क्योंकि रीडिंग से जो आपके मेंटल, आपकी हेल्थ बेटर होती है, आपको नई नई दुनिया जानने को मिलती है। वो इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन नए प्लेटफॉर्म्स की वजह से थोड़ा प्रभाव बढ़ रहा है वापस। तो आप कहना चाहेंगे कि मतलब जैसे लोग किताबें पढ़ना धीरे धीरे कम कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ उन किताबों पे इस समय पे वेब सीरीज बन रही है। Exactly. क्योंकि कंटेंट सबको चाहिए। Exactly. और नई नई ऑथर्स को भी इसमें प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उनकी किताबों पे अगर उनकी स्टोरी अच्छी है तो उस पे डायरेक्टर्स अपनी मूवीज बना रहे हैं, अपनी वेब सीरीज बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट ओपन हो रहा है। एग्जैक्टली यही, बिल्कुल सही आपने इस बात को कंक्लूड किया, क्योंकि अगर आप देखें तो अब जो ऑडियंस है, अब वो यूजुअल ऑडियंस नहीं है कि जी एक हीरो ले आओ, एक हीरोइन ले आओ, 4 आइटम सॉन्ग डाल दो और मूवी बन गई। अब एक यूजुअल ऑडियंस को कंटेंट चाहिए होता है, मतलब अब जो एवरेज कंटेंट है वो पहले के कंटेंट से बहुत बढ़िया है। तो इस कंडीशन में ऑथर्स को, राइटर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, और लोगों को पता चलता है कि एक राइटर इस पूरी स्टोरी को लिख रहा है। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि वापस वो इम्पैक्ट पॉजिटिव ही ला रहा है,
और लोगों को समझ में आ रहा है कि बुक्स एक्चुअली सोर्स होती हैं एक अच्छी कहानी का, एक अच्छे एंटरटेनमेंट का और एक अच्छी लाइक एक लाइफ लेसन का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ ढेर सारी बात करने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ कपिल राज जी, मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर। जैसा कि इन्होंने बताया, हालांकि किताब को पढ़ने के लिए जो पाठक है वो धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी कम हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वेब के चलन के बढ़ते, वेब सीरीज़ जो बन रही है वहाँ भी ऑथरों को एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, कुछ नई संभावनाएं उनके लिए बनकर तैयार हो रही है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ ऐसे ही नए मेहमानों से मिलने के लिए, ऐसे ही नई कहानियों को जानने के लिए। कार्यक्रम में गीत संगीत भी हुआ, पाठकों ने कार्यक्रम में खूब मस्ती की, सभी पाठकों ने लेखिका नुपुर से सवाल जवाब भी किए, साथ ही किताबों की प्रतियां भी खरीदी। पाठकों में किताबों की प्रतियां खरीदने और उस पर लेखिका के ऑटोग्राफ लेने का उत्साह दिखा। इस कार्यक्रम का आयोजन जश्न इवेंट ने कराया, जश्न इवेंट की फाउंडर सीमा सक्सेना भी कार्यक्रम में मौजूद रही।